दहन किया गया देश के प्रधानमंत्री का कि महंगाई पर रोक लगाए। आप लोग देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल कहाँ जा रहा है, दाल में चीजें पहले ही खाली से गायब था और अब मोटरसाइकिल पर भी गरीब का बाल बच्चा नहीं चल सकेगा। उसी का अंगेस्ट में आज राष्ट्रीय जनता दल दलित प्रकोष्ठ की ओर से और सभी प्रकोष्ठ के लोग हैं, दलित प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं नवल किशोर पासवान, उनके ओर से ही प्रोग्राम रखा गया। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये आम जनता का विरोध प्रदर्शन है, उसको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। उनकी मन भावना को आपके बीच आपके समय पूरे बोकारो जिला में ला कर करके छोड़ा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, गैस के दामों में, क्रूड रसोई गैस के जो कच्चे तेल है उन सबों में, कड़ुआ तेल में, रिफाइंड में, इन सब पे आम आदमी पे कितना भार पड़ रहा है। जिस भार को लेकर करके, जिस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव लड़े थे कि मैं महंगाई कम करूंगा, आपने अपने मित्र अडानी और अंबानी के लिए अपने पेट्रोल का दाम लगातार वृद्धि किया, चूंकि पूरा जो रिफाइनरी है उनके अधीन है। तो इस पर सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने जरा सा भी सरकार को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। जब ये विपक्ष में थे तो लगातार केंद्र के सरकार का खिलाफ करते थे 2013-14 में कि पेट्रोल आप बाबा रामदेव कहते थे कि आपको 36 रुपया वाला सरकार चाहिए कि 70-80 रुपया वाला डीजल पेट्रोल वाला सरकार चाहिए। ऑब्वियसली सब लोगों ने कहा कि हमें 36 वाला चाहिए, तो बीजेपी आएगी तो 36 रुपया में देगी। आज वो एकदम सांस लेते लेते उनका सांस अटक गया, कपाल भाटी करते करते ये महंगाई और डीजल पेट्रोल के उनका भी सांस अटका हुआ है और शर्म के मारे कुछ भी बोलने को मुँह नहीं है उनके। अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आज आह्वान किया है तमाम शहरों में, तमाम जिलों में आज साइकिल रिक्शा लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।